ईडी ने 10 दिन मांगा था, मिला 6 दिन है। इसका मतलब इनका केस बहुत कमजोर है। 3-3 घंटे आर्गुमेंट चला, 3 घंटे जज साहिबा ने ऑर्डर लिखने में लिया, बहुत मशक्कत करनी पड़ी 6 दिन भी देने के लिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज इस बात को देख रहा है, पूरे विश्व में भारत का के अंदर जो चल रहा है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। आज जर्मनी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हमने, कई सारे देशों का देखा। आज भारत देख पा रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो प्रयत्न चल रहा है मोदी जी के द्वारा, इसकी साक्षी पूरे पूरा भारत है। और हम सबको एक साथ अरविंद जी के साथ लगना पड़ेगा अगर देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है। ना मनी है ना ट्रेल है। सितंबर 2023 का कोई एक इन्होंने रचा हुआ है मनोहर कहानियां, उसी को बार बार रिपीट करते हैं। एक एक्यूज को मारो पीटो, बना लो गवाह, उससे जो मर्जी बुलवा लो, और कुछ नहीं इनके पास। इनके पास खोखला, सब कुछ खोखला है। मोदी जी भी खोखले हैं, भाजपा भी खोखला है, इन्हें कहानी भी खोखला है। आप बगल में ही बैठे हुए थे सीएम की, लगातार हम देख रहे थे, क्या स्थिति थी उनका जब ऑर्डर आया? सीएम साहब के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित है 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए हैं इसी के लिए। कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। आपको संदेश अगर कोई और, क्योंकि बोली भी अब सीएम जेल में ही होंगे, नहीं बाहर होंगे, तो कुछ संदेश? देखिए दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं, देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते तो बताते भाजपा कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुप्पी साधोगे, साफ साफ बाहर बात आ गई, 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को, उसका हवाला आ गया, अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है तो भाजपा एक्शन लेके दिखाए।